नाम और परिचय। मेरा नाम अनिल देसाई है, पेशे से मैं धारा शास्त्री भी हूँ और एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। एक वैसे जो वायरल हो रहा है इस विस्तार में ग्रुपों के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से, इसमें कई लोगों के ऊपर जो है अभद्र भाषा वापरी गई है और उन्हें गद्दार भी बताया गया है, क्या कहोगे इसके लिए? ये पहले तो मैं इसको अखोल डालता हूँ ये चीज़ को, पर ऐसे असामाजिक तत्व हमारे एरिया में है जो हमारी छवि खराब करना चाहते हैं। हमारा जो वर्क है शायद वो लोगों ने समझा भी नहीं होगा हमारे कि हम क्या करते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि कोई पॉलिटिकल चीज़ भी हो सकती है इसमें, हमारे पीछे कोई पॉलिटिकल काम भी कर आई है, हमारा वर्क पॉलिटिकल भी है कि जो चाहते हैं कि ये साला इलेक्शन के अंदर ये हमारे को लड़ना जाए बोले, ऐसे लोग भी बैठे हुए पर्दे के पीछे जो काम करते हैं वो हमारे ध्यान में है, पर वो तो जब इलेक्शन आएगा तब तब की बात कर रहे हैं। ये कुछ नाम वाम बताया कि भाई तुम कौम के विरुद्ध में जाते हो यार, तो हम कौम के कभी विरुद्ध में गए नहीं है ना जाएंगे, हम कौम के साथ में हैं, पूरे गुजरात के मुसलमानों के साथ में हमें। टोटल कितने लोगों के नाम है? 17 नाम ऐसे है। और किस किस साइबर में फरियाद की? साइबर में फरियाद तो मैंने पहले सबसे पहले स्टार्ट मैंने कराया है, साइबर में फरियाद करी है, कॉपी है इसकी, उसकी रजिस्टर कॉपी है, रजिस्टर ये और ये कॉपी जो मिल गई है इसका एक ये है जो साइबर में इश्यू भी हो गई है, साइबर के अंदर रिसीव भी कॉपी हो गई है, ये जो वायरल हुआ मैसेज है ये रिसीव कॉपी है और ये मैसेज एक वायरल हुआ था मैसेज ये नहीं ये रिया एक मैसेज वायरल ये हुआ था, ये हमारी छवि खराब करने के लिए बताया गया है ये, पर ऐसा कुछ भी नहीं, हम इसके लिए सुप्रीम में भी जाएंगे, हाई कोर्ट में भी जाएंगे, इसका पूरा न्याय के लिए हम साइबर क्राइम में तो हमने फरियाद करी हुई है। अब साइबर क्राइम में जो क्या क्या हमारे लिए क्या लोगों ने कोशिश चालू कर दी है, इंशाल्लाह शॉर्ट टाइम के अंदर ये पकड़ा भी जाएगा, असामाजिक तत्व जो है वो शॉर्ट टाइम के अंदर पकड़ा भी जाएगा। यहाँ आपकी छवि खराब करने चाहता है, उसका क्या मकसद हो सकता है? ये पॉलिटिकल मकसद है क्या कि भाई ये आदमी हमारे आगे जाकर लड़े नहीं, तो मेरे कोई इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में, समझो मेरे को इलेक्शन में खड़ा भी नहीं रहना, पर ये जो असामाजिक तत्व जो है जो इलेक्शन में खड़ा रहना चाहते हैं लोग ये, और ये छवि खराब करना चाहते हैं कि अगर ये मैदान में आ सकता है तो हमारा बोला कुछ होएगा नहीं बोले। ये पिछले समय जो लोकसभा चुनाव में आपने उम्मीदवारी दर्ज की उसको लेकर ये कुछ हो सकता है? हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, फिर भी मैं तो कोई जगह पर गया नहीं हूँ, फिर भी मैं 8,000 वोट लाया हूँ, 8,000 वोट मिले मेरे को, पब्लिक ने मेरे को 8,000 वोट दिए। तो मैंने हाँ। मेरे आसपास के लोगों को भी नहीं बोला कि मेरे को वोट डालो तुम, तो पब्लिक मेरे को जानती है मैं काम करता हूँ एरिया में। ये जो एप्लीकेशन हुई है जो 13 लोगों के नाम है उनके लिए भी आप लड़ रहे हो या? लड़ेंगे, सबके लिए लड़ेंगे, सबके लिए आप लड़ रहे हैं? सबके लिए, ना सबका हक है इलेक्शन में खड़ा रहना, सबका हक है, अगर कोई खड़ा रहना से कोई वो नहीं होता बोले, तुम्हारा भी हक है, तुम भी खड़े रह सकते हो। जो मैसेज में जिन जिनके नाम है तो फरियाद आपने की है, अगर जो आरोपी को पकड़ा गया और आपके जवाब मांगेंगे तो इन तमाम लोगों के लिए भी आप लड़ोगे? हाँ लड़ेंगे, बदनक्सी का दावा भी करेंगे, हम एक बार हाथ में तो आ जाओ, फरियाद तो 100% करी है समझो हमने, पर दावा भी होगा, नहीं इंशाल्लाह वही असामाजिक तत्व ही गद्दार निकलेगा। अच्छा, कौम का गद्दार वही होगा। अपने आप को जो है गैर मुस्लिम भी बता रहा है? नहीं गैर मुस्लिम तो नहीं होगा, बाकी ये स्टंट है, एक जात का लगता है कि स्टंट है ये। कोई अपने वाला ये मैसेज वायरल कर रहा है? हाँ अपने वाला कोई है जो हमारे पीछे ये काम करता है, अच्छे लोगों को काम करना देना चाहता नहीं है, उसके मन में ये चीज़ है कि भाई हम असामाजिक तत्व यहाँ फैले द्वारे हैं, हम लोग ऐसा काम करते नहीं। जैसे कि अभी लास्ट टाइम बहुत टाइम पहले भी हमने एक मुहिम चलाई थी जैसे ये MD ड्रग्स की, मैं हमारे एक दोस्त के साथ था, भाई अपने सैयद साहब के साथ था, जावेद सैयद के साथ में, फिर वो थोड़ी स्टॉप हो गई थी किसी के कहने पर बंद हो गई थी, वो ऐसी मुहिम भी हम लोग चलाते कि भाई असामाजिक तत्व यहाँ फैले नहीं हो। हो सकता है ये असामाजिक तत्व फैलने के लिए भी कर सकते हो लोग, ये भाई ये रुकाने का काम करते हैं, तो हमारी कौम को खराब करना चाहते हैं। इरादा रखते हो? हाँ इंशाल्लाह मैं मुहिम चलाऊंगा। अब हम चलाएंगे, साथ में चलाएंगे, सब जहाँ सही के साथ में चलाएंगे मुहिम भी हम। ऐसे मैसेज से कोई खौफ और डर नहीं? कोई डर नहीं है, पब्लिक भी मेरे साथ में, अगर आप लोग जाओगे अगर जुआपुरा में घूमोगे पता चलेगा कि भाई नहीं ये वर्क क्या करता है, बोले इसके जैसा कोई वर्क ही नहीं करता कोई, बोले इनको का ना कॉर्पोरेटर मिलता है ना कोई सामाजिक कार्यकर्ता मिलता है, मेरी ऑफिस में लोग आते हैं, आज भी सुबह अगर लगा कर तुम बैठोगे तो 50 आदमी आते हैं, 50 औरतें भी आती हैं, 50 49 लोगों का काम होता है यहाँ, किसी का काम नहीं होता सीधा मेरी ऑफिस पकड़ते हैं लोग, किसी की गरीबी फी भरनी है तब यहाँ फी भराती है, कोई फोटो वगैरह पड़ता नहीं है समझो, ये बंद मुट्ठी काम होता है, ये बंद मुट्ठी खोलने वाला काम करते हैं लोग असामाजिक तत्व, ये मेरे किसी को बताना नहीं है, ये मुट्ठी खुलवाने का काम करते हैं।